नमस्कार। सबसे पहले मैं देवेंद्र जी का और जन सरोकार मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये मेरा जो काव्य संग्रह है आपको बताना चाहता हूँ, जिस उम्मीद से निकला ये काव्य संग्रह भारतीय ज्ञानपीठ से इसी साल आया था जनवरी के महीने में, और ये ज़्यादा आप लोगों तक या जानकारी में इसलिए भी नहीं आया, इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि कोरोना जैसा जो संक्रमण रूपी जो संकट हमारे सामने आया, जनवरी में प्रेस में से आई थी, फरवरी में मेरे हाथों में कुछ पर्तियां आई है, और फिर लॉकडाउन और कोरोना तमाम समस्याएं आई हैं, अब जाकर थोड़ा बहुत हलचल हुई है। तो अब इसी दौरान इन कविताओं पर तमाम देश के बड़े बड़े विद्वानों ने भी समीक्षाएं की हैं संग्रह को लेकर, और बड़ी पत्रिकाओं ने अपनी जगह दी है, मधुमति हो या परिंदे पत्रिका हो, कक्षाड़ हो, इसके अलावा और भी तमाम पत्रिकाओं में इस पर समीक्षा लिखी गई है बहुत विस्तार से, जो जिसको आपको मौका मिले या समय मिले तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। और इसकी जो भूमिका और इसका जो फ्लैप कवर जो लिखा है वो आप सबसे छिपा हुआ नाम नहीं है। राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय इंदु शेखर तत्पुरुष जी ने लिखा है, और फ्लैप कवर उर्दू के बड़े साहित्यकार सीन काफ निजाम जी ने लिखा है, और एक भूमिका मधु आशावादी आचार्य जो बीकानेर के बड़े रचनाकार माने जाते हैं, इन तीन विद्वानों ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है। और शुरू में मैं कुछ मिनट इस भूमिकाओं को आपको थोड़ा सा आपके सामने रखते हुए फिर मैं अपनी कविताएं शुरू करूंगा। मैं इंदुशेखर तत्पुरुष जी की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने इस पुस्तक को लेकर के लिखी है, हालांकि दो तीन पेज में लिखा है उन्होंने, मैं कुछ पैराग्राफ आपको बताना चाह रहा हूँ। सहज इस कविता संग्रह को लेकर, सहजता का सौंदर्य और सादगी की आबाबरी कविताएं एक निर्णायक वक्तव्य की तरह प्रारंभ होती, युवा कवि और आलोचक लहरी राम मीणा की कविताएं बिना किसी शोर शराबे और बलागात के हमारी चेतना को स्पर्श करती है। ये कविताएं महानगरीय हड़बड़ी में हाँफती दौड़ती नहीं दिखती, वरना एक धीमी और विश्वसनीय चाल से आगे बढ़ती हुई अपने गंतव्य तक पाठक को साथ ले जाने का प्रयास करती है। इसलिए इन कविताओं में बौद्धिक चकाचौंध और शाब्दिक चकर पकर की भीड़ भरी बस्ती में घुसने की अपेक्षा एक शांत और मर्यादित बाहु क्षेत्र की ओर जाने वाली पगडंडी पर चलने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। स्मृतियों में बसे हुए प्रेम की कामना इस कवि को बार बार एक रास्ते की ओर खींचती है। ये कुछ शेखर सर की विचार थे इस कविता संग्रह को लेकर के। और सीन खाप निजाम साहब का भी मैं आपको बताता हूँ, वो कहते हैं कि जिस उम्मीद से निकला डॉक्टर लहराम मीणा का, ये मेरा पहला कविता संग्रह, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने आलोचना में और नाट्य आलोचना में विशेष रूप से मेरी रुचि रही है, तो ये कविताएं तमाम तरह जिस तरह से ये दिल्ली शहर के जो जीवन गुजरा या गांव और शहर के बीच की जो परिस्थितियां रही हैं उनको लेकर के, जो मेरा आसपास जो चीज़ें घटी थी उनको लेकर के सारा का सारा मेरा इस कविता संग्रह में अपना जो जीवन का जो जो चिंतन है वो मैंने दिखाने का प्रयास किया है। सीन काफ निजाम एक जगह बोलते हैं, वे कहीं इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे भी ग्लोबल गांव में रहते हैं, लेकिन लोकल गांव उनकी रग रग में रचा बसा है। गांव की मासूमियत, संस्कार, संसार को देखने की दृष्टि, संबंधों, सरोकारों की प्रण शक्ति, अपनापन, वह सब कुछ जो गांव की पहचान भी है और उसे परिभाषित भी करता है, उनकी स्मृति का अभिन्न है। यह बात ज़्यादा गलत नहीं है कि वह गांव गुम हो गया, जहां कहीं पेड़ तालाब आदि में बचा है वह भी स्मृति शेष की तरह ही है, लेकिन कवि की स्मृति में वह ठीक वैसा ही आनंद है जैसा पूर्वजों के समय या उनके बचपन में था। मैंने इन दो विद्वानों की इसलिए आपको रूपरेखा बताई है ताकि पूरी कविताएं, क्योंकि इसमें विद्वान जनों के अलावा मेरे प्रिय विद्यार्थी भी हैं जो कई बार थोड़ा सा भावों को समझ नहीं पाएंगे, तो मैं उनके लिहाज से ये सारा थोड़ा सा आपके सामने बातें रखा हूँ।
अब मैं इस कविता संग्रह की आपको पहली एक कविता है जो मैं आपको बताना आपके सामने काव्य पाठ करूंगा, शहर का दिनमान। थोड़ा सा इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, शहर का दिनमान ये मेरी इस कविता की पहला शीर्षक है कविता संग्रह का। रची गई है बहुत सी दंत कथाएं, कहानियां और उपलब्धियां अनेक भाषाओं और विषयों में। रची गई है बहुत सी दंत कथाएं, कहानियां, उपलब्धियां अनेक भाषाओं और विषयों में। आज भी कम नहीं हुई इस शहर की शान ओ शौकत, आज भी कम नहीं हुई इस शहर की शान ओ शौकत। पढ़ा जाता आज भी दूरदराज के देशों में इस शहर का इतिहास, धर्म और संस्कृति। पढ़ा जाता आज भी दूरदराज के देशों में इस शहर का इतिहास, धर्म और संस्कृति। आता जब कोई अजनबी पहली बार, आता है जब कोई अजनबी पहली बार, नहीं जाता फिर लौट कर। आ जाता है उसके आड़े इस शहर का दिनमान, आ जाता है उसके आड़े इस शहर का दिनमान। चाहता है वो भी इस मान सम्मान से भरे इस हरे भरे जंगल के बीच अपना भी एक हरा भरा पेड़। चाहता है वो भी इस मान सम्मान से भरे इस हरे भरे जंगल के बीच अपना भी एक हरा भरा पेड़। ये शहर का दिनमान कविता है। एक कविता है बुद्धिजीवी, ये छोटी सी कविता है और बुद्धिजीवी शीर्षक के नाम से मैंने इसको लिखा है। आप सुनिए। मुझे तीर चाकू तलवार बंदूकों से डर नहीं लगता, मुझे तीर चाकू तलवार बंदूकों से डर नहीं लगता, मुझे सांप बिच्छू गौरिये बगेरों से डर नहीं लगता, मुझे आग धूप कांच कांटों से डर नहीं लगता, मुझे डर है बुद्धिजीवियों और सज्जनों से। मुझे आग धूप कांच कांटों सांप बिच्छू गौरियों वगैरह चाकू तलवार बंदूकों से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है बुद्धिजीवियों और सज्जनों से। एक छोटी सी कविता है। एक कविता मैंने किसान के नाम पर लिखी है, किसान के जीवन को समर्पित किया है कि किस तरह से हमारे देश में हमारे समाज में हर चीज़ की बोलियां लगती है और किसान के अन्न का कोई भाव ही नहीं है। नहीं बिकता अन्नदाता, हालांकि ये जो कविता संग्रह है इसका पहले नाम नहीं बिकता अन्नदाता ही सोचा जा रहा था, फिर आदरणीय गुरुदेव इंदुशेखर तत्पुरुष जी के और नंदकिशोर आचार्य जी के सुझाव से इस रचना का नाम जिस उम्मीद से निकला रखा गया है, जिसके बारे में भी मैं आपको ये चर्चा कर रहा हूँ, नहीं बिकता अन्नदाता, इस शीर्षक के नाम से एक छोटी सी कविता है। आप सुनिए। आज के समय की सबसे बड़ी खबर है आदमी का बिकना, आज के समय की सबसे बड़ी खबर है आदमी का बिकना। योग्य अयोग्य गुण अवगुण नहीं देखा जाता, योग्य अयोग्य गुण अवगुण नहीं देखा जाता, अब देखी जाती है उसके बिकने की कीमत, देखी जाती है उसके बिकने की कीमत। शर्म से नहीं बड़े गर्व से, शर्म से नहीं बड़े गर्व से, हजारों लाखों या करोड़ों में नहीं, हजारों लाखों या करोड़ों में नहीं, कोड़ी कोड़ी में भी बिकता है आदमी। शर्म से नहीं बड़े गर्व से, हजारों लाखों या करोड़ों में नहीं, कोड़ी कोड़ी में भी बिकता है आदमी। आज बिकती है बाजार में बाहर तेंदू के अंधेर नगरी की तरह हर चीज टक्के सिर, आज बिकती है बाजार में बाहर तेंदू के अंधेर नगरी की तरह हर चीज टक्के सिर। नहीं बिकता तो सिर्फ इस देश का अन्नदाता जिस पर नहीं लगाता कोई बोली, नहीं बिकता तो सिर्फ इस देश का अन्नदाता जिस पर नहीं लगाता कोई बोली। ये नहीं बिकता अन्नदाता किसान के जीवन को लेकर के कि किस तरह से हमारे किसानी जीवन में जो दुर्दशा है उसके हालात को। एक है कुछ बदलने के लिए, इस शीर्षक के नाम से है, जो पत्रकारिता में जो
पेपरों को हम देख रहे हैं और जो वर्तमान की उसको लेकर पहले की तरह नहीं करता मन अखबार पढ़ने का। कुछ बदलने के लिए शीर्षक में है ये कविता। पहले की तरह नहीं करता मन अखबार पढ़ने का, लहू में डूबी रहती है हर नज में, लहू में डूबी रहती है हर नज में, निचोड़ो तो आती है कई दिनों की दुर्गंध। पहले की तरह नहीं करता मन अखबार पढ़ने का, लहू में डूबी रहती है हर नज में, निचोड़ो तो आती है कई दिनों की दुर्गंध। कई दफ़े इन सब पर बहुत कुछ सोचता हूँ और लिख लिख के काट देता हूँ। कई दफ़े इन सब पर बहुत कुछ सोचता हूँ और लिख लिख के काट देता हूँ। रोज़ कई मासूम बच्चे अपने ही आश्रयदाता की दरिंदगी के हो जाते हैं शिकार। रोज़ कई मासूम बच्चे अपने ही आश्रयदाता की दरिंदगी के हो जाते हैं शिकार। कई हजार मजदूर, किसान, दलित, युवा, बेरोजगार करते हैं कोशिशें। कई हजार मजदूर, किसान, दलित, युवा, बेरोजगार करते हैं कोशिशें कुछ बदलने के लिए। अक्सर उनकी कोशिशें कभी कलम से पहले, कभी कलम के बाद, कभी कभी कलम से ज़्यादा प्रभावी और असरदार होती है। अक्सर उनकी कोशिशें कभी कलम से पहले, कभी कलम के बाद, कभी कभी कलम से ज़्यादा प्रभावी और असरदार होती है। उम्मीद है कि कुछ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। एक कविता ये प्रेम को लेकर के हैं, जिसमें प्रेम आप देख सकते हैं। तुम ही मेरे शब्द हो, हम एक ही शहर में पढ़े बढ़े, हम एक ही शहर में पढ़े बढ़े, तुम इस शहर में नहीं हो अब, तुम इस शहर में नहीं हो अब, तुम्हारे अंदर चल रहा था मैं, तुम्हारे अंदर चल रहा था मैं, लेकिन नहीं हूँ अब, तुम्हारे अंदर चल रहा था मैं लेकिन नहीं हूँ अब, तुम अब भी घूमती हो मेरे भीतर किसी उद्दीप्त विचार की तरह, तुम अब भी घूमती हो मेरे भीतर किसी उद्दीप्त विचार की तरह है, नहीं भूला जा सकता स्मृतियों के शहर को अचानक, नहीं भूला जा सकता स्मृतियों के शहर को अचानक, आज भी जानता और देखता हूँ इस शहर को तुम्हारी निगाह से, आज भी जानता और देखता हूँ इस शहर को तुम्हारी निगाह से, मैं इस शहर का हूँ और शहर मेरा, मैं इस शहर का हूँ और शहर मेरा, पाया बहुत कुछ इससे जो तुम जानती हो, पाया बहुत कुछ इससे जो तुम जानती हो, आज भी स्मृतियों में है, पाया बहुत कुछ इससे जो तुम जानती हो, आज भी स्मृतियों में है, तुम ही मेरे शब्द हो, बनता हूँ रोज़ इससे, बिगड़ता भी हूँ इसी से, तुम ही मेरे शब्द हो, बनता हूँ रोज़ इससे, बिगड़ता भी हूँ इसी से, मेरी दुनिया इसी में रचती है अपना विन्यास, मेरी दुनिया इसी में रचती है अपना विन्यास, और मैं उसमें विन्यस्त हो जाता हूँ, मेरी दुनिया इसी में रचती है अपना विन्यास, और मैं उसमें विन्यस्त हो जाता हूँ। जिम्मेदारियाँ नाम की एक कविता है। घर में बड़ा होना चलना है जिम्मेदारियों के रास्तों पर, घर में बड़ा होना चलना है जिम्मेदारियों के रास्तों पर, रास्तों पर चलना ही नहीं बदलना भी है कांटों से भरे रास्तों को फूलों में, रास्तों पर चलना ही नहीं बदलना भी है कांटों से भरे रास्तों को फूलों में, बड़ा होना ही चलते रहना है बिना थके बिना हारे उन रास्तों पर जो ले जाए खुशहाली और समृद्धि की ओर आने वाली पीढ़ियों को, बड़ा होना जानना और समझना भी है उन रास्तों को जो रह गए पूर्वज जाने अनजाने में किसी कारण से अनभिज्ञ न जाने क्या मिल जाए, बड़ा होना जानना और समझना भी है उन रास्तों को जो रह गए पूर्वज जाने अनजाने में किसी कारण से अनभिज्ञ न जाने क्या मिल जाए, बताना है उनको जीवन के मायने, बताना है उनको जीवन के मायने,
जो नहीं जानते आज भी, बताना है उन रास्तों को जो नहीं चले कभी। नहीं चलना उन रास्तों पर जो ले जाए ज्ञानता और अशांति की ओर, चलना है तुम्हें हर उस रास्तों की ओर जो ले जाए प्रगति और खुशहाली की ओर। घर में बड़ा होना, चलना है जिम्मेदारियों के रास्तों पर। एक कविता है, उसका शीर्षक है दिल के दरवाजे। कविता है, तुम्हारे लिए मान लेता हूँ अपराधी हूँ, पर नहीं किए थे दिल के वे दरवाजे कभी बंद, जहाँ से तुम आ सकती थी भीतर। पर नहीं किए थे दिल के वे दरवाजे कभी बंद, जहाँ से तुम आ सकती थी भीतर। तुमने देखी ही नहीं वह एक और खिड़की, तुमने देखी ही नहीं वह एक और खिड़की जो सामने से ही खुली हुई थी पूरी तरह। तुम्हारे लिए मान लेता हूँ अपराधी हूँ, पर नहीं किए थे दिल के वे दरवाजे कभी बंद, जहाँ से तुम आ सकती थी भीतर। तुमने देखी ही नहीं वह एक और खिड़की जो सामने से ही खुली हुई थी पूरी तरह। एक कविता है मुखोटा नाम की, इसमें एक कविता मैंने लिखी है, किस तरह से आज के जीवन में हम अपनी इंसानियत को लोग अपने नकाबों में परिवर्तित होता है और देख रहे हैं। हर इंसान के झोले में, जेब में एक तरह से एक नकाब है, समझना बहुत मुश्किल होता है। उसी से प्रभावित होकर के जीवन में आप लिखा हूँ मैंने, जिसका शीर्षक है मुखौटा। आप देखिए, सुनिए। सोच रहा हूँ मैं भी जमाने की तरह बदलूँ अपने को, सच को त्याग कर पहन लूँ नकाब झूठ का। सोच रहा हूँ मैं भी जमाने की तरह बदलूँ अपने को, सच को त्याग कर पहन लूँ झूठ का नकाब। नहीं कोई आवश्यकता अब सच की, नहीं कोई आवश्यकता अब सच की, जिस तरह बदलते हैं लोग अलग अलग नकाब, बना लूँ मैं भी नकाब बदलने की आदत। जिस तरह बदलते हैं लोग अलग अलग नकाब, बना लूँ मैं भी नकाब बदलने की आदत। नहीं होगा फिर मुझे भी कोई कष्ट, नहीं होगा फिर मुझे भी कष्ट। सुकून ही तो चाहिए आज के इंसान को, सुकून ही तो चाहिए आज के इंसान को। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे रहते हैं नकाब बदलने वाले प्राणी। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे रहते हैं नकाब बदलने वाले प्राणी। रहना है इस ज़माने में तो बदलना ही होगा तुम्हें भी अपना सच का नकाब। रहना है इस ज़माने में तो बदलना ही होगा तुम्हें भी अपना सच का नकाब। कैसे रह पाएगा अपने सच के नकाब के साथ, उतारना ही होगा तुम्हें भी सच का नकाब। सोच रहा हूँ मैं भी दुनिया की तरह बदलूँ अपना नकाब, पहन लूँ चमकीला मुखौटा। सोच रहा हूँ मैं भी दुनिया की तरह बदलूँ अपना नकाब, पहन लूँ चमकीला मुखौटा। एक कविता है, छोटी कविता है, एहसास, उसका शीर्षक है, सोचता था कितनी सुंदर होगी ये दुनिया, सोचता था कितनी सुंदर होगी ये दुनिया, जिसके आगोश की किलकारियों से तार तार होता रहता था मेरा अपना स्वप्न लोक। जिसके आगोश की किलकारियों से तार तार होता रहता था मेरा अपना स्वप्न लोक, आज एहसास हुआ तुम्हारे ही आने पर कि सच में कितनी सुंदर है ये दुनिया। आज एहसास हुआ तुम्हारे ही आने पर कि सच में कितनी सुंदर है ये दुनिया। यकीन मानो यह बिल्कुल सुंदर नहीं लगती अगर तुम न आई होती मेरे आंगन में। यकीन मानो यह बिल्कुल सुंदर नहीं लगती अगर तुम न आई होती मेरे आंगन में। और एक छोटी कविता है कुछ पंक्तियों की, तुम्हारी उपस्थिति, उसको सुनिए आप। जरूरी नहीं है तुम्हारा होना, जरूरी नहीं है तुम्हारा होना, न हो कर भी तुम हो मेरे साथ, स्मृतियों में गुल रहे हो निरंतर। न हो कर भी तुम हो मेरे साथ, स्मृतियों में गुल रहे हो निरंतर। एक दूसरे के लिए सोचना ही प्रमाण है,
दोनों की उपस्थिति का। एक दूसरे के लिए सोचना ही प्रमाण है दोनों की उपस्थिति का, जरूरी नहीं है तुम्हारा होना। प्रेम को लेकर के, प्रेम शब्द को लेकर के एक कविता लिखी है मैंने, जिसका शीर्षक प्रेम की गुणवत्ता। प्रेम की गुणवत्ता आप देखोगे, लिखता हूँ कविता में कोई ऐसा शब्द, लिखता हूँ कविता में कोई ऐसा शब्द जिसका अर्थ सार्थक और समरस हो। लिखता हूँ कविता में कोई ऐसा शब्द जिसका अर्थ सार्थक और समरस हो। बताना चाहता हूँ उन लोगों को, बताना चाहता हूँ उन लोगों को उस अर्थ की अहमियत जो नहीं जानते आज भी बहुत लोग। बताना चाहता हूँ उन लोगों को उस अर्थ की अहमियत जो आज भी नहीं जानते बहुत से लोग। कुछ ऐसे लोग बचे हैं अभी भी जिनको बताना है कविता की सार्थकता प्रेम ही है। कुछ ऐसे लोग बचे हैं अभी भी जिनको बताना है कविता की सार्थकता प्रेम ही है, जो नहीं जानते आज भी प्रेम की गुणवत्ता, जो नहीं जानते आज भी प्रेम की गुणवत्ता। इसलिए मैं लिखता हूँ कविता में कोई ऐसा शब्द जिसका अर्थ प्रेमी हो, जो नहीं जानते आज भी प्रेम की गुणवत्ता। इसलिए मैं लिखता हूँ कविता में कोई ऐसा शब्द जिसका अर्थ प्रेमी हो। सुंदर किताब नाम से, एक शीर्षक के नाम से मैंने एक कविता लिखी थी। वर्षों से खाली पड़ी कुर्सी पर जब मैंने तुम्हें फड़ते हुए देखा, वर्षों से खाली पड़ी कुर्सी पर जब मैंने तुम्हें फड़ते हुए देखा, पहली बार तुम मुझे किताब से ज़्यादा खूबसूरत लगी। वर्षों से खाली पड़ी कुर्सी पर जब मैंने तुम्हें पढ़ते हुए देखा, पहली बार तुम मुझे किताब से ज़्यादा खूबसूरत लगी। एक कविता है चौपाल के नाम से, जो जिसको आप आधुनिक जीवन से देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे समाज से चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं राम भौतिकता की ओर। इसको देखो, पुराने घर की खूंटी पर अब भी टंगे हैं दादा की देसे उतरा कुर्ता और सिर की पगड़ी। पुराने घर की खूंटी पर अब भी टंगे हैं दादा की देसे उतरा कुर्ता और सिर की पगड़ी। नहीं रहा पुराने घर से अब कोई अनुराग, नहीं रहा पुराने घर से अब कोई अनुराग। ढाणी के बीचों बीच अब भी खड़ा है बूढ़ा बड़का पेड़, ढाणी के बीचों बीच अब भी खड़ा है बूढ़ा बड़का पेड़ जो बताता है पुरखों का इतिहास, देता है आने जाने वाले राहगीरों को राहत। पेड़ को अभी अभी काटा गया है नए पार्क के लिए, पेड़ को अभी अभी काटा गया है नए पार्क के लिए, जिस पर पक्षियों का समूह किया करता था रात को बसेरा, अब पेड़ नहीं है पक्षी भी नहीं है। सुबह शाम पेड़ के नीचे लगती थी चौपाल, होती थी समाज और दुनिया की बातें, अब पेड़ नहीं है चौपाल भी नहीं है। एक पूर्वजों का घर नाम की एक शीर्षक से मैंने कविता लिखी है, और ये थोड़ी बड़ी कविता, लंबी कविता है। मैं कुछ वर्षों से अपने आप से ही बतियाता हूँ, पूछता भी हूँ पुरखों के बनाए घर को, देखता हूँ कई बार यह घर भी मुझे लगातार ताकता रहता है, यह घर भी मुझे लगातार ताकता रहता है। यह सिर का घर खड़ा है आज भी कई पीढ़ियों का गवाह बनके, जोड़ते थे पूर्वज अपना भी मान सम्मान, करते थे गुणगान इस घर का बड़े गर्व से एक दूसरे के पास। लेकिन अब दिन में कुछ नहीं बोलता घर, रात को भीतर ही भीतर अपनी पीड़ा के लिए सुबकता है बेचारा, भरता है सारी सारी रात सिसकियाँ। गूंजते हैं इसके दर्दिले बोल, पूछता है ये सवाल मुझसे, क्यों आंखें फाड़ फाड़ के देखता है मुझे,
बार बार जैसे दे रहा हो उलाहना। क्यों कुरेदता है मेरे दबे हुए जख्मों को, क्यों करता है तू मेरी जर्जर स्थिति की चिंता। मैं भी था मान सम्मान का प्रतीक। आसपास के लोग जो कभी मेरे आगे से गुजरते थे अपना सिर झुका के, नहीं करते थे मेरे सामने अपनी गर्दन ऊंची, वही लोग अब मेरे सामने से बिना देखे मुंह फेरते हुए निकल जाते हैं। फिर सांस लेता हुआ कहता है, तुम्हारे पूर्वज और भी थे जो मुझे छोड़ के वर्षों पहले चले गए, न कोई देखभाल, न कोई हालचाल, न ही कोई पसंद करता अब मुझे, न कोई अब मेरे पास रहना चाहता, न ही कोई बातचीत करना चाहता है। जड़ रहा हूँ, गल रहा हूँ, जर्जर हो रहा हूँ, धूल दूसरी तो हो रहा हूँ, खोखला हो रहा हूँ अंदर ही अंदर। जड़ रहा हूँ, गल रहा हूँ, जर्जर हो रहा हूँ, धूल दूसरी तो रहा हूँ, खोखला हो रहा हूँ अंदर ही अंदर। जो कभी एक दूसरे से मुझे अपनाने के लिए झगड़ते थे आज सभी एक दूसरे से झगड़ते हैं छोड़ने के लिए मुझे। जो कभी एक दूसरे से मुझे अपनाने के लिए झगड़ते थे आज सभी एक दूसरे से झगड़ते हैं मुझे छोड़ने के लिए। पूर्वजों ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन मैं अपने ही लाडलों की वजह से जर्जर होकर डहूंगा। एक दिन आज भी मेरे रोम रोम में दीवारों के कोनों से गूंजती है पूर्वजों की यादें, उनके वार्तालाप। मैं ताकता हूँ कई बार इस सिर के घर, कई दफ़े सोचता हूँ सिर के घर की तरह हमें भी अपने लाडलों द्वारा अपमानित कर बाहर कर दिया जाएगा इसी घर की तरह एक न एक दिन। मैं ताकता हूँ कई बार, सोचता हूँ कई बार इस सिर के घर को, कई दफ़े देखता हूँ सोचता हूँ सिर के घर की तरह हमें भी, सिर के घर की तरह हमें भी अपने लाडलों द्वारा अपमानित कर बाहर कर दिया जाएगा एक न एक दिन। घरौंदा नाम की एक कविता है जिसके बारे में बताऊं, ये पिछली साल इन्हीं दिनों दिल्ली में लिखी गई थी। ये ऐसी एक दर्दनाक, एक ऐसे शख्स को लेकर लिखी गई थी जिस घर में मैं रहता था उसकी छत पर रात को हमें भी डर लगता है। कहने का मतलब, डर की बातें हैं कि अंधेरा रहना और उस अंधेरे में दिल्ली की सर्दी, आप सोच सकते हो बहुत मुश्किल है काटना छत और बाहर खुले में। उसी स्थिति में एक इस शहर में एक अनजान आता है जिसका कोई परिचय नहीं होता है और वो सुबह शाम किसी तलाश में, तो उसको लेकर के मैंने ये लिखा था, जो एक महिला थी और उस पर उसको देख करके ये सारा शब्द मेरे जहन से निकला। वह बड़ी शिद्दत से अपनी मौजूदगी दर्शाती है, वह बड़ी शिद्दत से अपनी मौजूदगी दर्शाती है। सांझ डले बहुत से रास्ते जगमगा जाते हैं। हर समय हर चौराहे पर वह आने जाने वाले लोगों को उम्मीद भरी नज़रों से निहारती है। हर समय हर चौराहे पर वह आने जाने वाले लोगों को उम्मीद भरी नज़रों से निहारती है। कभी तो मिलेगा काम देने वाला फरिश्ता, अब होंगे मेरे भी सपने पूरे, इस उम्मीद के साथ हर रोज़ एक बोतल पानी और कुछ कपड़ों से बंधी पोटली को लिए सांझ डले लौट आती है, उसी निराशा और सपनों को लेकर ऐसी छत पर जहाँ रात को पखेरू भी अपना नीड बनाना सुरक्षित नहीं समझते। उस निर्जन और एकांत छत पर काटती अपनी रात। बलात्कार के डर से फिर भी महसूसता है वह महफूज खुद को अपने गड़े हुए अनजान घरौंदे में। रात इसी खुशी के साथ काटती है वह रोज़ कि सवेरे किसी दूसरे के बिस्तर पर नहीं मिलेगी लहूलुहान। रात इसी खुशी के साथ काटती है वह रोज़ कि सवेरे किसी दूसरे के बिस्तर पर नहीं मिलेगी लहूलुहान। छोटी सी कविता। सड़क, ये वो सड़क है जो पिछले 20 सालों से मैं इस
छोटे से टुकड़े को देखता रहा और आसपास की सारी सड़कें बन गई और उसमें रहने वाले तमाम देश में बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए, सरकार के नुमाइंदे बन गए और वो सड़क का टुकड़ा आज भी वही स्थिति में है जो बरसों पहले देखा था। तो ये सड़क का जो है सपना किस तरह से, मैं जब भी गुजरा हूँ यहाँ से उसे सदैव चिंता में देखा, जैसे एक भिक्षुक आने जाने वाले राहगीरों की मुँह की ओर ताकता रहे। अकिंचन टुकड़े की आँखों में देखा है उम्मीद से भरा सपना। बदल गए तुम सब, बदल गई इमारतें, सब कुछ हो गया। बदल गए तुम सब, बदल गई इमारतें, सब कुछ हो गया नया नया। मैं उसी उम्मीद भरे सपने के साथ तुम्हारा इंतज़ार करती रही। अपने ऊपर चलने वाले हर पथिक को जब एक बदले हुए रूप के साथ देखती हूँ तो एक सवाल खुद से ही कर करके थक जाती हूँ कि क्या मैं भी एक दिन बन पाऊँगी दुल्हन। अपने ऊपर चलने वाले हर पथिक को जब एक बदले हुए रूप के साथ देखती हूँ तो एक सवाल खुद से ही कर कर के थक जाती हूँ कि क्या मैं भी एक दिन बन पाऊँगी दुल्हन। कुछ कविता हैं जो आप लोगों को समझ आई होगी। एक छोटी सी 2-3 पंक्तियों की कविता और है जिसका शीर्षक है समझ। हम दुनिया में ज्ञान बेचते हैं, हम दुनिया में ज्ञान बेचते हैं, तुम हमारा ज्ञान खरीदो हम तुम्हें समझ देंगे। अंतिम कविता है, हम दुनिया में ज्ञान बेचते हैं, तुम हमारा ज्ञान खरीदो हम तुम्हें समझ देंगे। और आशा करता हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे ताकि मैं अगला जो सृजन मेरा आने वाला है उसमें मैं कुछ और भी आप लोगों के विचारों का ध्यान में रखते हुए कुछ नया कर सकूँ, कुछ नया लिखने की मेरे अंदर और भी प्रेरणा जागे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।